खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, वो आपको बता देते हैं। गाजियाबाद में पुलिस चेकिंग के दौरान 120 किलो सोना पकड़ा गया है। बरामद सोने की कीमत करीब 38 करोड़ बताई जा रही है। तो बड़ी खबर गाजियाबाद से, 120 किलो सोना बरामद किया गया है, गाड़ी से पकड़ा गया है ये सोना। वीरेश पांडे का हम रुख कर लेते हैं। यूपी के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमसे जुड़ रहे हैं। वीरेश, चुनावी समय में ये पकड़ बहुत अहम हो जाती है, कौन है ये आदमी जिसके पास से ये सोना पकड़ा गया है, क्या अपडेट आप हमें दे सकते हैं इस खबर पर? देखिए, गाजियाबाद में अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। एक गाजियाबाद में 120 किलो सोना पकड़ा गया है और चेकिंग पुलिस के द्वारा जब की जा रही थी, मुरादनगर थाना क्षेत्र का मामला है। इसकी कीमत 38 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अफसरों के होश उड़ गए जब इस जांच टीम ने इसको देखा कि इतनी बड़ी सोना कहाँ ले जाया जा रहा था। और इतने बड़ी सोना की बरामदगी के बाद इनकम टैक्स के बड़े अधिकारियों को सूचना भेज दी गई है। गाड़ी में दो सुरक्षा गार्ड सोना लेकर जा रहे थे और ये किसके सुरक्षा गार्ड थे अभी तहकीकात का विषय है। पुलिस इसकी जांच कर रही है लेकिन अभी मीडिया को नहीं बताया जा रहा है कि दो सुरक्षा गार्ड किस माननी के थे, किस बड़े आदमी के थे, लेकिन इतना सोना किसका है, कहां जा रहा था, ये जांच का विषय है। और ये अब तक की गाजियाबाद की सबसे बड़ी बरामदगी है और जो चुनाव के समय हुई है, यानी ये पैसे कहां जा रहे थे, ये सोना कहां जा रहे थे, ये जांच का विषय है। लेकिन बहुत बड़ी सफलता है गाजियाबाद पुलिस की। बिल्कुल वीरेश, चुनाव के समय में ज्यादातर इस तरीके का कैश फ्लो और गोल्ड फ्लो होता है और ये बहुत बड़ी पकड़, बहुत बड़ी सफलता गाजियाबाद पुलिस के लिए।